नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी रुद्राक्ष पहनकर क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। माना जाता है कि जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रुओं से मानी गई है। रुद्राक्ष धारण करने के धार्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। रक्तचाप, हृदय रोग आदि में भी रुद्राक्ष धारण करना लाभप्रद माना जाता है। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं। इन सभी रुद्राक्ष की अपनी एक अलग महिमा होती है। मान्यता है कि इसे धारण करने से संकटों का नाश होता है व जातक को ग्रहों की अशुभता से भी मुक्ति मिलती है। रुद्राक्ष धारण करने के कई फायदे हैं। रुद्राक्ष को बहुत ही चमत्कारी और अलौकिक माना जाता है, लेकिन रुद्राक्ष धारण करने से पहले इससे जुड़े नियमों को जानना बेहद आवश्यक होता है। तो चलिए जानते हैं रुद्राक्ष धारण करने के नियम। रुद्राक्ष पहनने के नियम। रुद्राक्ष को कभी भी काले धागे में धारण नहीं करना चाहिए। इसे हमेशा लाल या पीले रंग के धागे में ही धारण करें। रुद्राक्ष बेहद पवित्र होता है, इसलिए इसे कभी अशुद्ध हाथों से न छुए और स्नान करने के बाद शुद्ध होकर ही इसे धारण करें। रुद्राक्ष धारण करते समय शिव जी के मंत्र ॐ नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए। स्वयं का पहना हुआ रुद्राक्ष कभी भी किसी दूसरे को धारण करने के लिए नहीं देना चाहिए। यदि आप रुद्राक्ष की माला बनवा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि विषम संख्या में ही रुद्राक्ष धारण करें। इस बात का ध्यान रखें कि माला 27 मनकों से कम की नहीं होनी चाहिए। रुद्राक्ष को वैसे तो केवल धागे में माला की तरह पिरोकर भी धारण किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा आप चांदी या सोने में जड़वा कर भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वालों को मांस, मदिरा या अन्य किसी भी प्रकार से नशीली चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ साथ में घंटी का बटन भी दबाए।